देश की राजधानी दिल्ली के राजौरी गार्डन थाने की पुलिस टीम ने दो आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें से एक शातिर मोबाइल लुटेरा है। एक की पहचान विनीत के रूप में हुई है और उसका साथी नाबालिग है। इसके पास से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं। DCP घनश्याम बंसल ने बताया कि 9 मार्च को राजौरी गार्डन थाने में मोबाइल छीनने की एक वारदात हुई थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। राजौरी गार्डन थाने के SHO रविंद्र वर्मा की देखरेख में सुभाष नगर पुलिस चौकी के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर नवीन की टीम ने CCTV फुटेज को चेक किया और उसके आधार पर एक बाइक के बारे में पुलिस को जानकारी मिली। फिर उस बाइक पर लिखे नंबर प्लेट के आधार पर पुलिस टीम वेरिफिकेशन करती हुई टैगोर गार्डन पहुंची। वहां पर पुलिस ने छापा मारा, लेकिन उस लोकेशन पर बाइक का ओनर नहीं मिला। उसके बाद पुलिस टीम ने अपने लोकल इंटेलिजेंस की मदद ली और CCTV फुटेज में जो आरोपी कैद हुआ था उसका फोटोग्राफ निकाल कर पता लगाना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम हुआ कि इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल गई और उसके बाद पुलिस टीम ने फिर रघुवीर नगर इलाके से शातिर लुटेरे विनीत को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से लूटे हुए मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जिसका साथ पकड़ा गया। पूछताछ में नाबालिग निकला, उसे हिरासत में लेकर उसके खिलाफ जुवेनाइल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आरोपी विनीत ने पुलिस को बताया कि वो ड्रग्स का आदी है और उसकी पूर्ति करने के लिए दोनों मिलकर मोबाइल लूटते थे। जो लोग पैदल सड़क पर बात करते हुए जा रहे थे उसके पीछे से पहुंचता और मोबाइल झपट कर फरार हो जाता था। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। दिल्ली से नवीन कुमार, पंजाब की CCTV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।